हेलो एवरीवन, दिस इज श्रद्धा मिश्रा फ्रॉम बेस्ट यूनिक रेसिपीज। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि व्हिपिंग क्रीम को हम किस तरीके से परफेक्टली व्हिप करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे रिस का व्हिपिंग टॉपिंग, गोल्ड का लिए हैं। आप प्रोपोलाइट का भी ले सकते हैं या आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो उसे आप ले सकते हैं। तो हम 1 कप ठंडा व्हिपिंग क्रीम लेंगे, मेल्टेड रहेगा। अब हम इसे व्हिप करेंगे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के हेल्प के थ्रू। हम इसे पहले स्लो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा जैसे 1 से 2 मिनट बाद हम इसे स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हम आपको व्हिपिंग क्रीम के लिए शेयर कर दें कि जब भी हम व्हिपिंग क्रीम मार्केट से लाते हैं तो उसे हमें फ्रीजर में रखना होगा। बना हमको अपने केक को आइसिंग करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं। जब व्हिपिंग क्रीम मेरा मेल्ट हो जाएगा तभी हम उसे व्हिप करेंगे। और आप अगर ये भी हो सके कि आप जो बाउल हम ले रहे हैं उसे भी आप चाहें तो फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख सकते हैं। अब हम 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे मीडियम। अब हमारा हाई जाएगा स्पीड। पूरा व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने में हमें एटलीस्ट 3 से 5 मिनट लगता है। अभी देखिए हमारा व्हिप क्रीम थोड़ा सा बाकी है व्हिप होने में। ये काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि परफेक्टली उनका व्हिप नहीं हो पाता है। अब देखिए हमारा व्हिपिंग क्रीम कम्प्लीटली व्हिप्ड हो चुका है। आप बाउल पलट के देखेंगे तो भी व्हिप क्रीम हमारा नहीं गिरेगा। यही चेक करने का सबसे सही तरीका है। चेक करने के लिए हमको बाउल से या स्पून के थ्रू इसे गिराने की कोशिश करना होगा। अगर वो नहीं गिरता है तो हमारा व्हिपिंग क्रीम परफेक्टली व्हिप्ड हो चुका है। आप इसे ओवर व्हिप भी मत करिएगा, नहीं तो आइसिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा व्हिपिंग क्रीम कम्प्लीटली व्हिप्ड हो चुका है। आपने इस वीडियो में देखा कि हमने व्हिपिंग क्रीम में कुछ भी चीज़ें मिक्स नहीं किया, जैसा कि लोग बोलते हैं और भी यूट्यूबर बोलते हैं कि इसमें मैदा मिला लीजिए, कॉर्नफ्लोर मिला लीजिए। आप देखिए किस तरीके से बिना कुछ मिलाए ही मेरा व्हिपिंग क्रीम कितना अच्छे से व्हिप्ड हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।